प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। दिल्ली में उनका इंतजार हो रहा है, जहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत लगभग 20,000 लोग एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सभी 7 सांसद दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेंगे, जहां से एक स्वागत जुलूस निकालने की तैयारी है। वहीं पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की बात करें तो 7 दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 समंदर पार वालों का दिल जीत लिया। अमेरिका तक को यकीन नहीं हो रहा है कि किसी शख्स की कामयाबियों और करिश्मे की बुलंदी इतनी भी हो सकती है। अपने 7 दिन के दौरे में 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। बाईस सितंबर को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। 50,000 से ज्यादा भारतवंशियों के बीच मोदी की लोकप्रियता देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दंग रह गए। हाउडी मोदी शो में ही मोदी ने अमेरिका यात्रा का टोन सेट कर दिया। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। आज हम यहां ह्यूस्टन में मोदी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ा और पूरे स्टेडियम में घूमे। ऐसा अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यात्रा के तीसरे दिन 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सत्र को संबोधित किया। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण यह हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। आज भारत इस विषय पर सिर्फ बात करने नहीं बल्कि एक व्यवहारिक सोच और रोड मैप के साथ आया है। मजे की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी का भाषण सुनने पहुंच गए, जबकि उनके यहां पहुंचने का कार्यक्रम ही नहीं था। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फिर मुलाकात हुई। ट्रंप ने साफ किया कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही व्यापारिक रिश्तों के लिए करार होना है। मोदी ने वित्तीय क्षेत्र के शीर्ष अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया। पच्चीस सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल गेट्स की संस्था ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए ग्लोबल गोलकीपर का सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को भारत की तरफ से सोलर पार्क का तोहफा दिया, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की। इसके अलावा मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड और अमेरिका के प्रधानमंत्रियों के साथ मुलाकात की। और आखिर में अपने दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए सेशन को संबोधित किया। हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं जग कल्याण के लिए हो। जन कल्याण से जग कल्याण। महासभा में प्रधानमंत्री मोदी की बात दुनिया ने बड़ी शिद्दत से सुनी और इमरान खान का कश्मीर का रोना किसी के गले नहीं उतरा। चलते चले पीएम मोदी ने बांग्लादेश और भूटान के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। वहीं हिंदू धर्म को अपनाने वाली और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही डेमोक्रेट नेता तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात की। निशांत चतुर्वेदी, न्यूयॉर्क।